कक्षा में सभी बच्चों को बताया गया था तुम्हारे स्कूल में क्विज कंपटीशन होगा, उसमें सभी बच्चों को हिस्सा लेना पड़ेगा। जो भी बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा उन्हें प्राइज मिलेंगे। सभी बच्चे सोचने लग जाते हैं, आपस में बात करते हैं, तभी मैम चिल्लाकर बोलती है, चुप हो जाओ। सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। क्विज कंपटीशन में तुम्हारे बुक से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। सभी बच्चे यह खबर अपने घर जाकर बताते हैं। सभी बच्चे जोरों शोरों से मेहनत करने लगते हैं। बुग्गू बहुत ही चालाक लड़का था। बुग्गू ने अपने ट्यूशन वाले सर से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर निशान लगवा लिए और वह वही पढ़ता था, और यूं भी सारे ही क्वेश्चन आंसर पढ़ता था। सभी बच्चों को क्विज कंपटीशन का इंतजार था। वह दिन आ ही जाता है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़कर आते हैं और एग्जाम देते हैं। कुछ बच्चे घबराए हुए थे तो कुछ बड़े ही आराम से एग्जाम देकर आते हैं। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? मुझे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं आते थे। अरे नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा गया था एग्जाम। अगले दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है। सभी पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है और रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। सभी बच्चों ने मेहनत अच्छे से की थी। काफ़ी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और काफ़ी बच्चे फेल हो गए। वह अगली बार अच्छे से मेहनत करें। लड्डू फर्स्ट आती है, यूवी सेकंड, चोलू थर्ड आती है, बुग्गू फोर्थ आता है। लड्डू को इनाम में साइकिल मिलती है, यूवी को एक वॉच मिलती है, चोलू को उपहार में बैग मिलता है, बुग्गू को लंच बॉक्स। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। बाकी बच्चों को कुछ छोटे छोटे इनाम दिए जाते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गिफ्ट लेकर अपने